वी वर्कड ऑन आर इनर चाइल्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम इनर चाइल्ड में? वायलेट फ्लेम से हमने किया था। कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे? मैम सबके ही है। मैम कैसे मतलब? ओके, तो उन बच्चों का आज हम हीलिंग करते हैं। एंड जिसका नहीं है वो अपने आप को छोटा बच्चा इमेजिन करके हीलिंग करेगा। ओके, मैम इनर चाइल्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है, क्या है वो? नाम नहीं काफी है इनर चाइल्ड। आप जब छोटे थे तब, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में जो स्टोरीज होती है ना, जैसे लोगों को ना कहानियां सुनाने की बहुत आदत है, राइट? और हम जैसे हीलर के पास तो उनको लगता है पूरी दुनिया भर का टाइम है, जस्ट ऑन करो और बोलते रहो, राइट? तो ये कहानियां आती कहाँ से है? आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में जब आप बचपन में थे तभी फीड हो गया वो। अभी का फीड नहीं है ये। मेजरली जो आपका पूरा पैटर्न है, आई थिंक अबाउट 6 ईयर्स तक पूरा डेवलप हो जाता है आपका जो ब्रेन एरिया है। तो जैसे जैसे आप इनर पैटर्न अपना चेंज करते रहोगे ना, आपका अभी का जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सिंपल ट्रॉमा की हीलिंग करते हैं। इनर वूम भी है ट्रॉमा। मैं आपको गाइड करूंगी, आपको फ्लैशेस आएगा। बेसिकली फ्लैशेस एज के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है? एंड आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में वो स्टोरी फीडेड है कि उस एज में क्या हुआ था, वो स्टोरी भी आएगा आपको, ठीक है? क्या हुआ था आपके साथ एंड ऑल दोस पास्ट थिंग, देन वी विल हील दैट ट्रॉमा टुडे। ओके, अंडरस्टूड? ओके मैम, इनर हीलिंग इज टू हील योर सेल्फ जब आप, वेन यू आर अ चाइल्ड, यू नो, फ्रॉम द वूम ऑल्सो यू कैन हील, बिकॉज वूम हीलिंग इज लाइक, सी, डीएनए मदर फादर दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है ना? दो क्रोमोजोम्स मिलते हैं, बट जब ये दोनों के बनता है, एक का हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनका हेरिडेटरी डिसीजेस भी आते हैं, उनके पूरे पैटर्न्स लाइक फेस, मैं आप, मतलब मेरा फेस आपसे अलग होगा, आपका फेस इनसे अलग होगा, ये सब क्यों आता है? बिकॉज ऑफ आर डीएनए ना। तो जब इतना हम मिमिक कर सकते हैं अपने पापा मम्मी को, तो हम उनका इमोशन भी तो लेते हैं ना। वो तो दिखता नहीं है हम लोगों को। अगर मेरी मम्मी को डर है किसी चीज से, तो वो मेरे पास भी तो आ सकता है ना। तो ये गर्भधान से आता है, वहां से हीलिंग करोगे तो आज का जो लाइफ है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी रिकॉर्ड वहीं से शुरू हुई है। ओके, ओके मैम। मैम आकाशीय रिकॉर्ड में प्रीवियस लाइफ्स भी होते हैं ना? वही तो रिकॉर्ड खोल रहे हैं हम। ओके तो इनर चाइल्ड ए लाइफ टाइम से शुरू होता है या प्रीवियस लाइफ टाइम पे अभी तो रहता है? इस लाइफ से ही कर रहे हैं, अभी इस ओके लाइफ, ओके बट आप कभी भी जाके पास्ट लाइफ का भी पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो पास्ट लाइफ का, वो भी ओके okay. वही कर लेते हैं, राइट? कोई भी आपको लगता हो इस लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम को एक लेना, आप अपना ले सकते हो या आप अपने बच्चों का ले सकते हो, किसी एक का लेना प्लीज, ठीक है? या अपने फैमिली मेंबर का, किसी एक का लेना। आइज, मैम होस्ट बना दी आपको। वेलकम हाँ, थैंक यू। क्लोज योर आइज। वेलकम विजुअलाइज अ ब्रिलियंट वॉटरफॉल, ग्रीन कलर का वॉटरफॉल। गुरु से मिलने जाना है तो पहले नहा के जाएंगे, ओके? सो ग्रीन कलर वॉटरफॉल के नीचे खड़े हो जाइए।
एंड सहस्र चक्रा में ग्रीन कलर को आने दीजिए, पूरा सहस्र चक्रा ग्रीन कलर से भर दीजिए। पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड थरली क्लेंस्ड, सहस्र चक्रा हर एक पेटल में ग्रीन कलर डालिए। आज्ञा चक्रा थ्रोट चक्र सब जगह ग्रीन कलर से भरिए। थाइमस ग्लैंड लंग्स स्टमक एरिया लिवर स्प्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम कोलोन इंटेस्टाइन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र एंड मणिपुर चक्र सारे चक्र में ग्रीन कलर से भरिए एंटायर स्पाइन। नीचे पूरे फुट एरिया में ग्रीन कलर से भरिए एंड ग्राउंड योर सेल्फ। देन विजुलाइज योर एंटायर क्राउन इज गेटिंग टर्निंग इनटू पिंक कलर। योर आज्ञा चक्र थ्रोट चक्र हार्ट चक्र टर्निंग इनटू पिंक कलर, सोलर प्लेक्सस चक्र टर्निंग इनटू पिंक कलर, सेक्स चक्र टर्निंग इनटू पिंक कलर, बेसिक चक्र टर्निंग इनटू पिंक कलर, बोथ द फीट एंड द हैंड्स बिल्कुल आप पूरा पिंक कलर में बदल चुके हो। देन ग्राउंड योर सेल्फ बाय फॉर्मिंग रूट्स, आपका एनर्जी रूट्स बनाओ, ग्राउंड करो उसको। नाउ कॉल आर्कएंजल माइकल टू शील्ड योर सेल्फ। वायलेट कलर का अपना शील्ड बनाइए। गॉड गॉडेस एंजल्स आर्कएंजल्स माय गार्डियन एंजल्स माय स्पिरिट गाइड्स माय स्पिरिट एनिमल्स सारे मास्टर्स को प्रणाम, आकाशिक रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स को प्रणाम, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को प्रणाम, मेरे गुरु और सद्गुरु को प्रणाम। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए। द थैंक्स एंड इन फुल फेथ वी एक्नॉलेज द फोर्सेस ऑफ लाइट आस्किंग फॉर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन एज इट इज रिवील्ड फॉर आवर हाईएस्ट गुड। अपना पूरा नाम लीजिएगा। इन द लाइट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड हेल्प मी टू नो एंड सी। अपना पूरा नाम लीजिए या जिसका खोल रहे हो उनका नाम लीजिए प्लीज। एंड एनेबल मी टू शेयर द विजडम एंड कंपैशन। द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन। नाउ यू कैन विजुलाइज स्टेयर्स बन गए हो और आप उसमें ऊपर जा रहे हो। एक बड़ा सा एंजलिक दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज वेटिंग फॉर यू।
योर हायर सोल इज वेटिंग फॉर यू टुडे. आई विल टीच यू हाउ टू मीट योर गुरु. आराम से आपके आकाशिक फील्ड में थोड़ा घूमिए. उसकी एनर्जी महसूस कीजिए कैसा है. नाउ फॉर्म एक गोल्डन सर्कल खींचिए आपके आसपास. बड़ा सा गोल्डन सर्कल बनाइए आकाशिक फील्ड में. And call your Sadguru. जब ये गोल्डन सर्कल बनाओगे इससे आपके गुरु आपके पास आते हैं. You can visualize a golden light is coming towards you. आपके पास आ रहा है. You can feel the presence of your guru. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parat Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. आपके गुरु आपके सामने खड़े हैं. आप उनसे उनका पांव छू सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो. अपने जेस्चर से उनको आप धन्यवाद बोल सकते हो. जितने भी नॉलेज दिए हैं आपको उन्होंने उसके लिए प्रणाम. हर बारी हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए प्रणाम. हमेशा हमारे साथ रहने के लिए प्रणाम. थैंक यू. Just feel the bliss of your guru's presence. आपके लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम हो उसका निवारण आप अपने गुरु से पूछ सकते हो.
थैंक यू टू योर गुरु. आपके गुरु आपको एक हीलिंग टूल देंगे, एक हीलिंग टूल मिलेगा आपको, जिससे आप जब भी आप आकाशिक हीलिंग में जाओगे आप उससे हील कर सकते हो. उनसे एक हीलिंग टूल मांगिए जिससे आप हीलिंग कर सकते हो. से थैंक यू थैंक यू. और उनसे प्रॉमिस कीजिए कभी गुरु की निंदा नहीं करूंगा, कभी इस विद्या का चोरी नहीं करूंगा, कहीं दुरुपयोग नहीं करूंगा इस ज्ञान का. नाउ स्लोली विजुलाइज योर गुरु गोइंग बैक टू हिज ओन रेल्म, जहां से आए हैं वहीं वो वापस जा रहे हैं. अब जो आपके हाथ में जो ये टूल है उसको देखिए. जस्ट सिट इन योर आकाशिक फील्ड, आराम से बैठिए. सवाल पूछिए आकाशिक फील्ड में कि मेरे जिंदगी में क्या ट्रॉमा है जो आज तक जिस वजह से प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, और ये कब से शुरू हुआ है, कौन से एज से शुरू हुआ है. उसको हील कीजिए जो आपको ये टूल मिला है उससे. Now slowly expand your aura, expand your aura. Feel the power in you. अपने आप को पावरफुल सोचिए and be in that state. किसी ने अगर आकाशिक रिकॉर्ड लिया है किसी का तो वापस कर सकते हो.
आर्कएंजल मेगाट्रॉन को एंड स्लोली यू कैन कम डाउन, से थैंक यू टू आर्कएंजल मेगाट्रॉन, थैंक यू टू योर हायर सोल, थैंक यू टू ऑल द एंजल्स, थैंक यू टू ईच एंड वन एवरीबडी हु इज प्रेजेंट देयर, थैंक यू. स्लोली कम डाउन एंड कम डाउन. वेन एवर यू आर रेडी यू कैन ओपन योर आईज. स्लोली आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. ऋतु इतना भी ठंड नहीं है, ठीक है. हाँ रवि जान, के हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं. मैं हाँ जानवी, ठंड में गुड गई थी. मैम नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग. मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेरा गुरु ने आके एक पावरफुल मल्टी कलर का एक बहुत बड़ा पिचकारी बोल सकते हैं या गन जैसा कुछ दिया है. मैम कभी किसी का हील करना चाहिए तो एक कलर भी आ सकते हैं. इसके पीछे एक एक अधिदेवता या एंजल किसी को बुलाओगे वो आके हील करेगा. 1 लाख टाइम बहुत स्ट्रांग पावरफुल हील होगा ऐसा बोल के आशीर्वाद करके दिया है मैं. ओके ओके गुड. मेरी हीलिंग वो का नंबर काम भी इतना अच्छा से बोला और बहुत क्लियर कट दिख रहा था सब कुछ. और वॉइस भी मुझे बहुत क्लियरली उनका वॉइस मुझे बोल रहे थे मैम. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम वेलकम. मैम मैं करूं? हां जी कौन? मैम कंचन हां जी बताइए. 1 मिनट मैम. मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया. जैसे अभी आपने बोला था ना कि ग्रीन कलर का वाटरफॉल, मैम वो क्या रीजन था? रीजन यस मैम, आपने कहा था ना कि ग्रीन कलर के वाटरफॉल में हम अपने आप को पूरी तरह से क्लीन कर रहे थे. तो कर दी ना आपने. मैं कर दी थी, ग्रीन क्यों किया था हमने या वैसे ही इंट्यूशन? इंट्यूशन था. नहीं मैम, कलर का क्या सिग्निफिकेंस है ग्रीन कलर का? विट्ठल जी आपने कलर नहीं किया मेरे साथ, नहीं किया. तो फिर जब आएंगे तब बताऊंगी. अरे उसके लिए बहुत टाइम यू लगेगा. वेट, सब कुछ इतना इजी नहीं मिल सकता. हाँ रश्मि जी बताइए. मैम मैंने मतलब जो जो आपने बोला सब किया, और मुझे महाअवतार बाबा जी दिखे एज अ गुरु के रूप में, ओके और उन्होंने मेरे दोनों हाथों में गोल्डन कलर रखा पूरा. उन्होंने कहा हाथ ऐसे करो और गोल्डन कलर, कुछ लाइट थी बहुत ही डिवाइन लाइट गोल्डन, और फिर वो चले गए जल. लेकिन एक चीज है, जब आपने पूछा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूछो कहाँ से आई है कब से आई है, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ एक आउल दिख रहा था जो व्हाइट कलर का था और गोल्डन कलर वही कंटिन्यूअस मतलब देख रहा है ऐसा, मतलब विटनेस कर रहा है
कि मैं जो पूछ रही हूँ तो वो कुछ भी नहीं आया। फिर आपने कहा कि जो भी है आप उसे हील करो, तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे आप दिखा तो नहीं रहे हो कुछ भी, तो मैंने वो पूरा गोल्डन लाइट अपने ऊपर पूरा डाल लिया, अपने सारे चक्रास में, अपने बॉडी के एक-एक पार्ट्स में डाल लिया कि मुझे नहीं पता क्या है, कहाँ से आया है, बट अभी मुझे हीलिंग करनी है। सो वो हीलिंग करके फिर मैं वापस आ गई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा मुझे कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या क्या है। ठीक, ओके, गुड, यू आर नॉट रेडी। ओके, थैंक यू। ओके, मैम मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है। लाइक एंटरिंग आकाशिक बोले तो लाइक जब हम स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो आर्कएंजल मेकेट्रॉन मिलते हैं, तो वही एंटरिंग आकाशिक है क्या? बोलते हाँ, हाउ डज इट फील लाइक, बोलते क्या होता है? लाइक अलग अलग हो सकता है हर एक इंडिविजुअल का। अलग अलग हो सकता है। बेसिकली इट्स योर ओन एनर्जी फील्ड ना। अब कौन कहाँ से जा रहा है, इट माइट बी द डोर्स माइट बी डिफरेंट। एंड फीलिंग और द विजुअल विल बी डिफरेंट। या डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली। आई गॉट सम टूल, आई मेट माई गुरु, आई गॉट सम टूल। लेकिन क्या है, जब मैं पूछा कि लाइक ट्रॉमा बचपन से क्या है, तो कुछ आया नहीं एक्चुअली। तो फिर बाद में थोड़ी देर के बाद, मतलब आई आस्क मेनी टाइम्स, तो फिर बाद में थोड़ी देर, अब आई डोंट नो, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट आई माइट नॉट हैव सम सीरियस ट्रॉमा इन चाइल्डहुड। या डेफिनेटली डेफिनेटली। या देन बट आई हैव करंट प्रॉब्लम, सो आई आस्क्ड व्हाट आर दिस, मींस व्हाट इज द कॉज। आई नो, आई मोर और लेस आई नो व्हाट इज द कॉज, सो इट वेंट टू द सेम रीजन। देन आई आस्क फॉर हीलिंग। या तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। या व्हेन यू नो देन दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। ओके, बिकॉज यू आर सेइंग ना आई नो एवरीथिंग, तब थोड़ी वो नो, बोलेगा। आई डिडंट से आई नो, बट नो, योर माइंड विल से, आपको या बोलने की जरूरत नहीं है, दे विल कैच योर माइंड। वहां पे बातें नहीं होती है, वहां पे थॉट्स टू थॉट होता है। ओके, ओके थैंक्स वेलकम। हाँ मैम। मैं जी, बोलूँ मैम, जब आपने गुरु को करने के लिए बोला तो मैम व्हाइट कपड़ों में, मैम गुरु नानक देव जी दिखे मुझे, मेरे गुरु, जो मैं कभी, मैं उनसे अटैच नहीं हुई आज तक, कभी मैंने उनका नाम नहीं लिया। और मैम मुझे माला दी उन्होंने व्हाइट कलर की, और मैम ओम दिया मुझे बस। मैम बचपन का चाइल्ड ट्रॉमा पूछा, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं पता चला, बस मैम इतना ही था। और मैं वापस, दैट्स गुड एक्चुअली। बहुत लोगों को ट्रॉमा नहीं दिखा, दैट माइट बी वन वेरी गुड थिंग, इज आपके गुरु ने पहले हील कर दिया, राइट? जो उनके प्रेजेंस में हील हो जाता है एक्चुअली, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी देव मैम की, चैंटिंग, मैम नाम सिमरन बस मैम, मैं लेकिन मैं कोई नाम नहीं लिया, और नाम सिमरन और माला और मैम ओम बस। तो मैम माला से भी हील कर सकती हूँ मैं? हाँ हीलिंग तो किसी से भी हो सकती। क्यों, कितने लोग माला ही तो पहनते हो, क्रिस्टल की माला, ये माला, वो माला, हाँ मैम, एक एमेथिस्ट तो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है। अल और क्या है, मेरे से पूछ रहे हो माला से हील कर सकते हो क्या? हाँ मैम ये तो बात है। और मैम गुरु नानक देव जी, मैं कभी अटैच नहीं हुई उनके साथ, गुरु नानक देव नो जी। सी, गुरु बहुत लोग हो सकते हैं, ओके बहुत मैम, लोग हो सकते हैं, सदगुरु एक ही होता है, हर सोल का एक सदगुरु होता है, तो मैम मतलब मेरे वो तो गुरु एक ही के, है, वो हर कोई नहीं हो सकता, वो ही आएंगे मिलने जो हर आपके जन्म में आपके साथ होते हैं। ओके।